अजय नवीन ग्रुप की तरफ से न्यू ऑर्डर है, उसकी रिपोर्ट मैंने बनाई, एक दफा देख ले। भाईजन मैं सोच रहा था कि अब हालात बेहतर हो ही गए तो भैया को भी ऑफिस बुला ही लेते। यहां से जाने का फैसला उसका अपना था, मैंने उसको कभी फोर्स नहीं किया, कभी उससे ये नहीं कहा कि तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते। ये फैसला उन्होंने हालात के पेशे नजर किया था। ये अच्छा है, अपनी गलतियों का मलबा हालात के ऊपर डाल दो। भाईजन क्या आप खुश नहीं है भैया के आने से? ऐसा कब कहा मैंने? कुछ बातें कहना जरूरी नहीं होती, आपका लघु लहजा और अंदाज खुद ही कह देता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ नेहा से इशू, मैं जानता हूं घर में सुकून नहीं रहने देगी। घर का सुकून नीनू की वजह से नहीं, भाभी की वजह से खराब होता है। मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रहा हूं, आफरीन के मुतालिक कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है, अगर आप भाभी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनना चाहते तो नीनू के बारे में भी हार्श मत हो। लगता है नीनू ने तुम्हारे ऊपर भी तावीज करना शुरू कर दिया, तभी उसका जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आफरीन भाभी इस कदर आपका दिल बदगुमान कर सकती है कि आपको सही और गलत की पहचान ही ना रहे। एक बात बताऊं, यही राय मेरी तुम्हारे बारे में भी है। ठीक है, फिर आज के बाद से बेहतर यही है कि हम इस बारे में कोई बात ही ना करें। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपने कुछ खाया है, मैं खाना लगवाती हूँ आपके। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, बैठी रहो मेरे पास। रीनू, मैं तो आज खुद से भी नजर मिलाने के लायक नहीं रही बेटा। माँ बनकर औलाद की तरह पाला मैंने, तो वही तरबियत की और तुम पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि मैं खुद अपनी तरबियत पे उंगली उठा रही हूँ बेटा। नहीं खाला मी, आप ये सब बातें छोड़ें। मैंने रानिया को भी यही कहा था, उसने मुझे बताया कि आप जा रही हैं, तो मैंने उसे भी यही कहा कि पिछली बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है, आप छोड़ दीजिए। नुकसान तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन ये जानती हूँ कि तुम पर उंगली उठा के मैंने बड़ा घाटे का सौदा किया है।